जिसमें यार कोई वीएन यार एडिटिंग तो सीख ली पर वीएन में कलर ग्रेडिंग कैसे करूं यार समझ ही नहीं आ रहा। कोड में भी कलर ग्रेडिंग होती है क्या? वीएन में टूल्स तो है कलर ग्रेडिंग के, मुझे समझ ही नहीं आता यार करने कैसे होती है इसमें। आज कोई सिखा देता यार कलर ग्रेडिंग। यार सुन ली भाई तुम्हारी बात यार, सोने भी नहीं देता यार। तो भाई सबसे पहले तो वीएन ऐप के अंदर कलर ग्रेडिंग के ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जितने भी है उनसे भी हम काफ़ी अच्छी खासी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई मैंने वीएन ऐप को ओपन कर लिया, यहाँ पर जस्ट अपनी कुछ वीडियोस को इंपोर्ट करूँगा जो कि मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड की है। तो ये रही कुछ वीडियोज़, सारी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड डन। तो ये देखो ये शॉट कुछ मैंने अपने फ़ोन से लिए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से लिए, वन प्लस वाले फ़ोन से, एंड मतलब मस्त लग रहे हैं शॉट ऐसे। तो ये अभी बिल्कुल फ्लैट है, इनमें कोई कलर ग्रेडिंग नहीं की गई है, लेकिन आप इनको कैसे कलर ग्रेड कर सकते हो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है फिल्टर्स के अंदर, और यहाँ पर आपको आना है एडजस्ट में। यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन, जो फोटो में ऑप्शन होते हैं सेम वही ऑप्शन आपको वीडियो में भी मिलते हैं। सबसे पहले एक्सपोजर, तो ये आपको अपनी वीडियो में अगर आपको ब्राइटनेस कम लग रही है तो ये आपको तब छेड़ना है। तो फिलहाल मेरी वीडियो में यार ब्राइटनेस ऑलरेडी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा कम ही करूँगा। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट, नॉर्मली मोबाइल फ़ोन की वीडियोज़ में ना कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, तो उसको थोड़ा सा कम करना ताकि थोड़ी सी आपकी वीडियो स्मूथ लगे और ओवर शार्प या ओवर कॉन्ट्रास्ट ही ना लगे। इसके बाद ब्राइटनेस अगर आपको कम लग रही है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी कम करूँगा क्योंकि मेरी वीडियो दोपहर के टाइम की है तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट थी यहाँ पे। तो देखो ये सही है। इसके बाद आप सैचुरेशन को नहीं छेड़ोगे क्योंकि यहाँ से आपने पूरी वीडियो की ये एक साथ कलर बढ़ा दो जो कि बहुत ही बेकार लगता है। इसकी बजाय आप क्या छेड़ोगे, आप यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ाओगे, तो ये जस्ट जो आपके कलर्स कम दिख रहे हैं उनको बूस्ट कर देगा। इसको मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है। इसके बाद मैं आऊँगा टेम्परेचर पे, और मुझे अपनी वीडियो में कैसी लुक एंड फील चाहिए उसके बेस पे मैं अपना टेम्परेचर को एडजस्ट करूँगा। अगर मुझे वीडियो वार्म टोन में चाहिए तो मैं ऐसे कर दूँगा, अगर कूल चाहिए तो फिर मैं ऐसे कर दूँगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसको न्यूट्रल ही रखोगे एंड वो ज़्यादा सही लगेगा, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। अब आता है हमारा HSL, यहाँ पर आप किसी भी कलर को इंडिविजुअली छेड़ सकते हो, मतलब कोई भी कलर आपको जो दिख रहा है उसका ह्यू सैचुरेशन एंड लुमिनेंस को आप चेंज कर सकते हो, सेम जैसे हम लाइटरूम के अंदर फोटो में करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, तो ये हम ब्लू पे आएंगे एंड इसका ह्यू थोड़ा सा टील साइड लेके आएंगे। तो देखो बहुत ही क्लासिक लग रहा है। अब क्योंकि आसमान टील है तो थोड़ा सा अगर ऑरेंज कर दें वीडियो में तो टील ऑरेंज पूरा एक लुक बन जाएगा। तो जो ग्रीन हमारी ट्री है इसको हम थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं येलो साइड में, एंड देखो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हल्की सी ऑटम वाली वाइब आ रही है। इसका थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लुमिनियंस भी बढ़ाते हैं, एंड जो हमारा ब्लू कलर है इसका हम थोड़ा सा जो है लुमिनियंस कम कर देंगे और सैचुरेशन भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। भाई यहाँ पे बहुत ही मस्त ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लग रहे हैं। बिफोर आफ्टर आपको दिखाऊं अगर, तो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही हल्का चेंज है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर आपकी वीडियो में कोई और भी कलर्स हो तो आप उनको भी चेंज कर सकते हैं HSL में घुस के। जैसे मान लो आपकी वीडियो में कोई रेड कलर है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे येलो कलर है तो इसको हम थोड़ा छेड़ते हैं। तो ये देखो हम चाहे उसको पूरा ऐसे रेड कर सकते हैं। ओ भाई ये तो ज़्यादा सही लग रहा है, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल जैसे गाँव में सेब के पेड़ ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल लाल लाल फूल वाले ऐसा लग रहा है। और इसके बाद विनियट पे, विनियट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर आपको सेंटर पे थोड़ा फोकस चाहिए। नॉर्मली क्या ना आपकी पूरी वीडियो बिल्कुल फ्लैट है, तो कोई व्यूअर आपकी वीडियो को देखेगा उसको वीडियो जस्ट एक फ्लैट दिखेगी, लेकिन अगर आप उसके एजिस में थोड़ा सा डार्कनेस ऐड कर दोगे तो आपकी आइज़ अपने आप सेंटर की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा ब्राइट होती है फ्रेम में वही आप पहले नोटिस करते हो। तो क्योंकि एजिस डार्क है तो सेंटर ब्राइट है, आप सेंटर को ही ज़्यादा नोटिस करोगे। तो हल्का सा इसको करेंगे, बिल्कुल ऐसे मत कर देना, बहुत ही फेक लगता है, बिल्कुल सटल ताकि पता ही ना लगे इतना। इसके बाद शार्पनेस तो यार फ़ोन की वीडियोज़ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं यहाँ पे कम करने का ऑप्शन नहीं, वरना मैं थोड़ा कम ही करता इसको। ये लिमिटेशन तो भाई VN ऐप की है। इसके बाद ह्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो अगर आपको पूरी ओवरऑल वीडियो का कलर एक साथ ही चेंज करना है, मतलब आपको बिल्कुल ह्यू छेड़ देना है, तो ये देखो इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा ताकि ये और कॉम्प्लीमेंट करें हमारे सीन को। एंड हाईलाइट को आप कम कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं कम करूँगा। शेडोज़ को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, डन। नॉइज़ रिडक्शन तो हमारी वीडियो में नॉइज़ तो है ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही क्लासिक लग रहे हैं ये कलर्स, और यहाँ पे हमने कोई भी फिल्टर अभी तक यूज़ नहीं किया। अब ये तो सारा मैनुअल तरीका है वीडियो को कलर ग्रेड करने का, आप देखो बिफोर आफ्टर कितना अच्छा लग रहा है, एंड ये हमने मैनुअली सारी वीडियो को हमने खुद से कलर ग्रेड किया है। बट यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स भी हैं, उनका यूज़ करके अपनी वीडियो को आप कलर ग्रेड कर सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ फिल्टर का यूज़ आपको कैसे करना है। तो मान लो मेरे पास ये वाली जो क्लिप है, या फिर सपोज इस वाली क्लिप पे हम कोई फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिल्टर्स में चलते हैं। भाई यहाँ पे ना कम से कम 100 से भी ज़्यादा फिल्टर्स है, पर आपको कौन से यूज़ करने हैं, मेरे पर्सनली फेवरेट कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी सी नेचर वाली है तो मैं यहाँ पे ट्रैवल में घुसता हूँ पहले। तो ये हमारा ट्रैवल, यहाँ पे है T1 T2, ये बहुत सारे इफेक्ट है, लेकिन ये देखो ये बहुत ही क्लासिक डी सैचुरेटेड टोन अगर आपको वीडियो में रखने तो आप यहाँ से इस वाले इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आप इसकी इंटेंसिटी को यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, पहले यहाँ से मैंने कोई एक फिल्टर लगा लिया, अब मैं उसको मैन्युअली खुद से एडजस्ट करूँगा। तो फिल्टर जैसे लगा दिया, अब कॉन्ट्रास्ट पे चलते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है मुझे तो मैं कम कर लूँगा, थोड़ा सा एक्सपोजर भी ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर लेंगे इसको।
एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा जो है कम ही करेंगे, सैचुरेशन हल्का सा बढ़ाएंगे एंड वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे, सैचुरेशन थोड़ा कम ही कर लेता हूँ मैं। एंड अपना जो टेम्परेचर है ये हम थोड़ा सा प्लस की साइड रखेंगे। अब आएंगे HSL के अंदर, जो हमारा ये स्काई है इसको थोड़ा सा ऐसे टील की साइड ले चलते हैं और येलो कलर को हल्का सा, ये तो देखो मस्त हमारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बन रहे हैं भाई। कंट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा और कम करता हूँ इसको, हल्का सा विनियर भी डाल देंगे। और यू देखो भाई, इसको तो मत ही छेड़ना, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो कभी कभी ख़राब भी कर सकता है ये। शेडो को थोड़ा सा बढ़ाते हैं एंड अब देखो बिफोर आफ्टर है, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत ही क्लासिक ये कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, फ़ोन के अंदर भी ऐसी ग्रेडिंग हो सकती है भाई और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये ट्रैवल वाले में T2 वाला एक फ़िल्टर है। इसके अलावा मैं कोई और वीडियो दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लो एक, जैसे मान लेते हैं ये एक वीडियो, ठीक है, इसको हमें कलर ग्रेड करना है। तो एक फ़िल्टर जो मेरे को और बहुत अच्छा लगा था वो था यहाँ से सीनरी में घुस के, सीनरी में था एक SC5। हाँ ये देखो SC5 कितना सही लग रहा है, हालांकि इसने थोड़े से ना वाइट पार्ट को थोड़ा ख़राब कर दिया हमारे, पर इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम रखेंगे। और ये पूरा ना फोकस शिफ्टिंग करता है, मतलब जो आपके डार्क पार्ट है उनको थोड़ा सा लाइट कर देगा और जो लाइट पार्ट उनको थोड़ा सा डार्क कर देगा। तो ये देखो, इसके अलावा ये SC2 भी अच्छा है, बट ये SC5 तो भाई बिल्कुल क्लासिक लग रहा है। एंड इसके बाद आप ये टील ऑरेंज यहाँ से इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको मैनुअली नहीं करना है टील ऑरेंज। तो ये देखो T1 T2। बाकी तो भाई इसमें ढूंढते रहो फिल्टर कौन से बढ़िया, मुझे पर्सनली ये दो फिल्टर बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो ये SC5 और एक ये T2, इन दोनों को आप भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिल्टर लगाने के बाद आपको खुद से मैनुअली थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, जैसे फिल्टर लगाया उसके बाद अपनी फुटेज के हिसाब से यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करो एंड आपकी वीडियो फाइनल कलर ग्रेडिंग डन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी वीडियो तो फाइनली हो चुकी है डन। आपको ये कलर ग्रेडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड मैं भी कहूँगा कि इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं, अगर इसमें एक कर्व टूल का ऑप्शन आता ना बहुत ही मस्त कलर ग्रेडिंग होती। अब VN के अंदर तो ये ऑप्शंस नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कलर ग्रेडिंग के ऊपर स्पेशली एंड उसमें यूज़ किया था कोलोरो ऐप, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा वीडियो, बहुत ही अच्छी कलर ग्रेडिंग कोलोरो ऐप के अंदर होती है। अगर आप सीरियस है कलर ग्रेडिंग को लेकर तो आपको ये वाली ऐप और ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और ऐप भी है नोट वीडियो एडिटर, जिसके अंदर कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको उसका भी ट्यूटोरियल बताऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक वाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।